हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल डॉक्टर दरबेश की एक नायाब देन है, जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बीमारी से निजात पा लें। अगर आप भी घर बैठे डॉक्टर दरबेश के बताए नुस्खों से लाभ उठाना चाहते हैं, स्वस्थ और सेहतमंद रहना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, हमारे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, मैं डॉक्टर दरबेश आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल। हम में से कभी भी कोई भी नहीं जाना चाहता अस्पताल, मगर हमारी लापरवाही कही है या फिर हमारी मजबूरी, हमें अस्पताल जाना पड़ता है, मेडिसिन भी लेना पड़ता है और सर्जरी टेबल तक भी बात बनती है। इसका मतलब है कि हमें पूरी नॉलेज होती नहीं है, आधा अधूरा नॉलेज, आधा वीडियो देखते हैं। मैं तो कई बार सोचता हूँ कि पूरा वीडियो हम देखते ही नहीं हैं, दो मिनट चार मिनट स्किप कर करके देख लिए, हो गया, उससे पूरी नॉलेज हम सोचते हैं हो गया, उसके बाद फ़ोन उठाओ घुमाओ और 10 बार रिंग करो, इससे बात नहीं बनती दोस्तों। हमें कहीं ना कहीं पूरा एजुकेशन के साथ जुड़ना पड़ेगा, पूरा एजुकेट होना पड़ेगा, पूरा नॉलेज अपने अंदर डालना पड़ेगा। पूरा वीडियो को हमेशा जो डाला जाता है उसको शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, उसके बाद फिर समझो, फिर इम्प्लीमेंट करो, तब जाके बात बनेगी। तो आज दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से डायबिटीज बहुत तेजी से फैल रहा है और खास करके अभी जो समय है, हम खाना खाते हैं, घर में बैठे हुए हैं, कोई हमारी वर्कआउट वगैरह नहीं हो रहा है, वॉक वगैरह भी नहीं हो रही है, एक्सरसाइज बंद है, बाकी चीज़ें बंद है। तो कई वीडियोज़ मैं इसके लिए डाला हूँ कि आप योगा वगैरह घर में करो, प्राणायाम करो, ब्रीदिंग करो, आसन करो, मेडिटेशन करो, क्लैपिंग थेरेपी करो, इससे आपका शरीर चलता रहेगा, जिससे आप स्ट्रेस भी नहीं होगा, एंग्जाइटी नहीं होगा, डिप्रेसिव आप नहीं होगे, क्योंकि सारा चीज़ दोस्तों डायबिटीज से जुड़ा हुआ है और ब्लड प्रेशर से जुड़ा हुआ है। इसलिए दिमाग को शांत रखना, शरीर को चलाना, ये दोनों चीज़ अगर हमने कर ली और डाइट को थोड़ा सा ध्यान रखे तो दोस्तों डायबिटीज से हम बच सकते हैं। और वो भी एक तरीके का इतना भयंकर समस्या है जो हमें परेशान भी कर रखा है और जीवन को कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे अस्पताल की तरफ धक्का दे रहा है। आज दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कलर थेरापी मैजिकल तरीके से डायबिटीज को ठीक करता है। सिंगल एक बारी बताता हूं, लोकेट करा देता हूं, आप उसको हर रोज रात को खाना खाने के बाद वहां लगाइए और फिर सो जाइए सुबह उठ के, फिर नहा लीजिए, फिर जब आपको ऑफिस वगैरह जाना होता है, कोई भी काम में जाना है, फिर दोबारा लगा लीजिए और फिर जाइए, तो दिन भर वो आपके हाथ में रहा, फिर रात में एक बार लगा लोगे तो फिर रात भर भी, और आप देखोगे 7 दिन में अपना शुगर को नापिए, एक हफ्ता कितना रहा, दूसरा हफ्ता कितना रहा, तीसरा हफ्ता कितना रहा, चौथा हफ्ता कितना रहा, 1 महीने का पूरा एक कैलकुलेशन करिए, फिर मुझे व्हाट्सएप में भी डालें और अपना कमेंट बॉक्स में भी डालें। अगर आपको जो जो लाभ होता है उसको शेयर करिए, तब एक तरह से हम लोग जान पाएंगे जो इतने देर से रिसर्च किए हैं उसमें जितनी नॉलेज हुई और वो नॉलेज बढ़ेगा मल्टीपल लेवल पे। तो एग्जैक्ट वो 2 बिंदु आपको बताता हूँ जहाँ पे आपको शुगर नॉर्मल रखने के लिए, डायबिटीज को कंट्रोल में रखने के लिए, यानी डायबिटीज से बचने के लिए, डायबिटीज फ्री होने के लिए, आपको वो 2 लोकेशन में दिखाता हूं। पहले मैं आपको आईपैड से दिखाता हूं, फिर उसको आपको मेरे हाथ से दिखाऊंगा। पहले फोटो देखिए और पूरे ढंग से देखो, याद रखो इसमें येलो कलर का इस्तेमाल करनी है, पाम में इस्तेमाल करनी है और ये पॉइंट इस तरीके से है, यहां देखिए एक स्पॉट यहां पे येलो है और एक यहां पे दिया गया है, ये दोनों जगह पे आपको येलो का प्रयोग करना है और ये लेफ्ट पाम में ही है, राइट में इस्तेमाल दोस्तों नहीं करनी है, इसको आपको लेफ्ट पाम में ही इस्तेमाल करनी है। दोबारा थोड़ा फोकस कराइए, प्रॉपर दोस्तों देखो, समझो, जानो, एक स्पॉट यहां पे आता है और दूसरा यहां पे आता है। एक बारी मैं इसको करके भी दिखाता हूं अपने हाथ में, इसी के साइड में आप इसको देखते रहिए,
येल्लो का इस्तेमाल करनी है घर, ऐसे भी कोई भी आप मार्कर या स्केच कलम वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हो। स्किन फ्रेंडली भी बहुत सारे कलर के आते हैं, उसको भी आप ला के इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मेरे पास जो है मैं उसमें आपको दिखाता हूँ। येल्लो कलर हो सकता है कि आपको ना दिखे, इसलिए दोस्तों येल्लो मैं तो पकड़ा हूँ, मगर दूसरे कोई कलर से मैं दिखाऊंगा जिससे कि आप इसको पहचान सको। यहाँ हम ले लेते हैं, चलो पिंक कलर ही ले लेते हैं। ये सिर्फ दिखाने के लिए मैं पिंक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि येल्लो आपको दिखेगा नहीं मेरे पाम में। एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो मैं आपको दिखाने को प्रयास कर रहा हूँ, ये और यहां से लेके यहां तक। देखो अब करना क्या है ना, ये जो कलर आपने दिए हो इसको चाहो तो आप इसको पूरा भरनी है, मतलब मैं जैसे ये पिंक है आपको इसको येल्लो से ही भरनी है, इतना एरिया आपको येल्लो से भरनी है, ठीक है। मैं यहां पे एक लाइन दिखाया हूं दोस्तों, देखो यहां ये लाइन मैंने दिखाया, आपको थोड़ा इजी रहेगा दिखाने के लिए। सिर्फ यूज करना है आपको येल्लो, पिंक में इसलिए दिखाया हूं और रेड से इसके चारों तरफ से बाउंड्री दे दिया हूं कि आपको समझने में इजी रहे। यहां पे आपको कलर की इस्तेमाल करनी है और एक स्पॉट आपको यहां से यहां तक करनी है। इसको अगर आप चाहो तो दिन में कई बार इसको थोड़ा प्रेशर भी हल्का हल्का दे सकते हो, ये जैसे मैं दे रहा हूं, और यह इस स्पॉट पे भी। बहुत ज्यादा शुगर बढ़ गया है या अगर घट गया है तो तुरंत अगर आपको आराम पहुंचाना है तो ये वाले स्पॉट को भी 20 टाइम्स 30 टाइम्स आप ऐसे प्रेस कर सकते हो, मगर मेनली कलर थेरेपी से ही आपको दिखा रहा हूँ। और याद रखें दोस्तों, येल्लो का ही इस्तेमाल करना है, येल्लो ही इस्तेमाल करनी है, क्योंकि कहते हैं कि येल्लो कलर की कमी के कारण हमें शुगर होती है, हमारा जो पैनक्रियाज है उसको एक्टिवेट कराने के लिए, उसको नॉर्मल कंडीशन में रखने के लिए, अच्छे हालत में रखने के लिए आपको येल्लो कलर की ही जरूरत है। तो आप येल्लो कलर ही इस्तेमाल करिएगा इस स्पॉट पे जहां मैंने पिंक का इस्तेमाल किया हूं, दिखाई दे इसलिए। और बाकी यहां येल्लो तो आप देख ही लो और एक बार इस तरीके से। क्लियर हुए आप? पूरी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश किया कि कोई गलती ना हो। कई बार आप लोग बोलते हो कि प्रॉपर दिखाई नहीं देता है, इसलिए अभी मैं कोशिश किया इसको ढंग से दिखाने के लिए। इसलिए आप कलर थेरेपी का जो नॉलेज है, ये नॉलेज का भरपूर इस्तेमाल करें। जब जो अच्छे नॉलेज आप तक पहुंचता है पूरी जानकारी रखें, ढंग से दो चार बार वीडियो को देखें, समझें, उसके बाद जाकर उसको अमल में लाएं। तो इसी बात के साथ दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। उसके पहले मैं अपनी किताब में बहुत सारी जो टिप्स दे रखा हूं, माय हेल्थ इन माय हैंड, ये ऑनलाइन अमेजन पे अवेलेबल है 2500 से ज़्यादा टिप्स है। उसमें जो एक्यूप्रेशर का पूरा ज्ञान दिया हूँ उसका भी दोस्तों आपको इस्तेमाल करनी चाहिए, और आयुर्वेद का तो ऐसे हज़ारों टिप्स भी है उसका भी फ़ायदा आपको उठानी चाहिए। खान पीन पर ध्यान दीजिएगा, अपना फिजिकल एक्टिविटीज, फिजिकल एक्सरसाइज हमेशा करिएगा, एक घंटा डेढ़ घंटा डेली। मेंटली जो एंग्जाइटी है उसको कम करने के लिए मेडिटेशन वगैरह करिएगा, सुबह क्लैपिंग थेरेपी वगैरह करिएगा, मेरा क्लैपिंग थेरेपी वाला वीडियो भी देखिए। उसके साथ साथ अपने आप को हमेशा बैलेंस्ड रखिएगा, अपने पे कोई चीज़ हावी होने ना दें, जो आपको अच्छा लगता है जिससे आप खुश हो वो सारा काम करें। उसके साथ साथ किसी दुखी गरीब जो असहाय है उसके लिए अगर कुछ कर पाते हो, उस जो आपके बलबूते में वो आप करो। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, आपका दोस्त आपका हमसफर डॉक्टर दरवेश आपसे विदाई लेता है। कुछ नई जानकारी कुछ नई एपिसोड के साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।